कोई जाने को तैयार नहीं, और कोई जाता तो भी उसको कहता पागल हो वहां जा रहे हो, वहां रखा क्या? देयर इज नो एनी ग्लैमर, एनी चार्मिंग, एनी अट्रैक्शन, नो ग्लैमर, ग्लैमरलेस. तो वो जो चमकदार एडवर्टाइज था उसमें जो भी जाते हैं उसको घुसते ही लाते पड़ती, डंडे पड़ते, पूछते क्यों भैया हमें मार क्यों रहे हो? बोले आप ऐसी जगह आए हो जहां मार ही खाओगे, क्यों? बोला ये नर्क का स्टॉल है. तो बोला बाहर तो इतना अच्छा आपने बनाया. बोला हाँ, ये नर्क की यही बात है कि पहले वो अट्रैक्टिव दिखता है, बाद में डंडे पड़ते हैं. ये नर्क का स्टॉल है, ये नर्क का स्टॉल है. लोगों को लुभाया जाता है नर्क की ओर लाने के लिए. ये जो बड़े बड़े चिकन के, मटन के, वाइन के, ड्रिंक के, लिकर के एडवर्टाइज दिए जाते हैं, ये सब लुभाया जाता है नरक की तरफ जाने के लिए. ये सब वो एडवर्टाइज है. ये बातें रोमांस की, प्यार की, मोहब्बतों की, ये सब लुभावनी बातें जो खींच रही है नर्क की तरफ लोगों को, युवा पीढ़ी को. अभी हम देखते हैं लड़कियां भी सिगरेट पीती हैं. इस किस्म की ये नर्क का एडवर्टाइज है, उन्होंने बताया. बोला हमें मार पड़ेगी. बोला आपको किसने कहा था ये आओ? कहा बोर्ड तो बहुत अच्छा था. बोला हाँ, यही नरक की एक पहचान है. बोर्ड अच्छा होता है लेकिन अंदर डंडे पड़ते हैं. और अंदर जहाँ पर वो भक्ति का स्टॉल था वहाँ कोई अट्रैक्शन नहीं था, और जो जाता था उसको भी पागल कहते थे, जैसे आपको आपके फ्रेंड्स पागल बोलते होंगे. कहाँ जा रहे हो? पागल हो क्या? बेवकूफ हो क्या? लेट्स एंजॉय. लेट्स डांस. लेट्स ड्रिंक. वो जो स्टॉल था जहां माला का फोटो था और कोई चोटी वाला बाबा बैठा हुआ था, उसमें घुसते ही बड़ा स्वागत होता था. बड़े प्रेम से फूलों के हार गले में डाले जाते थे. और पूछा ये क्या हो रहा है बाहर? तो अंदर, बाहर तो बिल्कुल सन्नाटा है लेकिन अंदर तो इतना अद्भुत प्रकाश और आनंद ही आनंद लगा पड़ा. कहा ये भगवान के धाम का एडवर्टाइज है. जो बाहर से जिसमें कोई ग्लैमर दिखता नहीं है, जिसकी तरफ भीड़ नहीं लगती है, जिसकी तरफ लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन एक बार अंदर घुस गए तो फिर बाहर आने का मन नहीं चाहेगा. यत गत्वा न निर्वतन्ते तद धाम परमम. एक बार अंदर घुस गए, कृष्ण कहते हैं उनको इस दुखमयी संसार में फिर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस तकलीफ वाले संसार में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस संसार में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ऐसा संसार जिसके लिए स्वयं श्री कृष्ण कह रहे दुखालयम अशाश्वतम, दुखों से भरा पड़ा है और अशाश्वत है. इसलिए अगर 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 जिंदगी में कभी कुछ ऊंच नीच हो तो मन को समझाना. ऐसा तो है होना ही था, कोई नई बात नहीं है. दिलासा देना मन को, ऐसा तो होना ही था, कोई नई बात नहीं है. जब बेटा नालायक निकले कोई नई बात नहीं है, ऐसा तो होना ही था. जब बहू जिंदड़ी निकले बोला औसत होना ही था, कोई नई बात नहीं है. जब पति कष्ट दे तो बोला ऐसा तो होना ही था,
जब पत्नी खून पिए तो बोले ठीक है दो ग्लास और पी ले, ऐसा तो होना ही था, ये कोई नई बात नहीं है। एक पत्नी अपने पति को लेटर लिखती है और वो पत्र के अंत में वैसे लिखती, मुझे आपकी याद आ रही है, मुझे ये हो रहा, बहुत सारे इस प्रकार के रोमांटिक डायलॉग्स लिख के अंत में लिखती है क्या, वो लिखते ना आपके प्राण की प्यारी, वो लिखती है आपके प्राण की प्यासी। क्या लिखती है? आपके प्राण की प्यासी श्रीमती सत्यानाशी। हाँ ऐसा होता है, जिंदगी में श्रीमती सत्यानाशी आ जाती है तो उसको निकाल तो नहीं सकते हैं ना, उसके लिए भी थैंक यू कृष्ण को, ठीक है मेरे कर्म यहीं कट रहे हैं। दिल जलता है तो जलने दे आंसू ना बहा, क्यों तू पर्दा नशी का है, देखो पर्दे में इस समय तू पर्दा नशी का आशिक है, यू नाम वफा बदनाम ना कर। किसी को लगी है? दिल जलता है तो जलने दे आंसू ना बहा फरियाद ना कर। थैंक यू कृष्ण, थैंक यू कृष्ण, धन्यवाद भगवान आपका। इस भाव से आप अपना भजन किए जाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र विहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोपा गोपराय गोविंदाय हे कृष्ण करुणा दीनबंधु जगतपते निश गोपी का कांता राधा कांत नमस्तुते तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रज भानु सुत देवी प्रणामामि हरि प्रिय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरी गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। जी आप लोगों के कोई प्रश्न? राधे कृष्ण बापू जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बापू जी भगवद गीता में एक तरफ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तस्याहम सुलभ पार्थ और दूसरी तरफ कहते हैं स महात्मा सो दुर्लभ। तो जब कृष्ण सुलभ है तो फिर उनको प्राप्त करने वाले महात्मा दुर्लभ क्यों है? यही तो बड़ी बात है। कृष्ण कहते हैं कि मैं सबको सुलभ हूं, ये कृष्ण सबके लिए, लेकिन फिर उनको प्राप्त करने वाले क्यों दुर्लभ है? उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसका जवाब देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हरि कथा और कीर्तन, क्या
हरि कथा और कीर्तन दो चीजें, एक तो हरि कथा और दूसरा हरि नाम का कीर्तन। तुलसी दुर्लभ दोए, तुलसी दुर्लभ दोए, दोनों दुर्लभ है। सूत द्वार लक्ष्मी पापी के घर होए, ये सब सुलभ है। क्या औलाद, कहीं भी किसी को भी औलाद होती है, इसलिए अगर औलाद होती है तो ज्यादा कुचलने की जरूरत नहीं है। जैसे कल मुझे किसी का फोन आया, बोले बापू हमारे घर बेटा हुआ। उस घर से लगभग चार लोगों का फोन आया, बेटा हुआ बेटा हुआ बेटा। लेकिन हो सकता है कल नालायक हो जाए तो बोले इससे तो ये पैदा ही ना होता तो अच्छा था। तो सूत औलाद सबको है, ये कोई खास इसमें उछलने की बात नहीं है। किसी को लड़की है, किसी को लड़का है, किसी को लड़का है, किसी को लड़की है, कोई खास बात नहीं है। द्वार अर्थात प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इस संसार में। अगर आपको मिल गई तो कोई बहुत बड़ा तीर मारने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी धन दौलत पैसा ये भी अगर आ गया तो इसमें ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूत द्वार लक्ष्मी पापी के घर होए, एक पाप कर्म करने वाली व्यक्ति के घर में भी ये सब होता है। तो फिर दुर्लभ क्या है? हरि कथा और कीर्तन। ये जो आप कृष्ण कथा सुनते हो ये दुर्लभ है, ये जो आप हरि भजन करते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये दुर्लभ है, ये दुर्लभ है। जब ये दुर्लभ है तो फिर इनके करने वाले भी दुर्लभ हो गए स्वाभाविक रूप से। दुर्लभ वस्तु जिसको मिल जाए वो व्यक्ति भी खुद में ही एक दुर्लभ हो जाता है। दूसरी, भगवान सबको सब कुछ दे देते हैं, सुलभ है, लेकिन किन के लिए? सबके लिए नहीं। ये नहीं कहा मैं सबके लिए सुलभ हूं, वहां कंडीशन रखी है। अगर ये श्लोक हम पूरा पढ़े तो इसमें खुद में एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? जो अनन्य भाव से नित्य मेरा स्मरण करता रहता है, कंडीशन है, उनके लिए मैं सुलभ हूं। तस्य हम सुलभ पा रहा था अनन्य चेता, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते रहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, उनके लिए मैं सुलभ हूं, उनके लिए मैं सुलभ हूं। और जरा सोचो, कृष्ण अगर कहते हैं कि मैं ऐसे करने से मिलता हूं तो हम ऐसा क्यों ना करें? अगर वो कहते हैं मैं ऐसे करने से मिलूंगा तो हम ऐसा क्यों ना करें? ऐसा हम क्यों ना करें? कैसे करने से मिलता हूं? अनन्य भाव से मेरा कीर्तन करते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। अच्छा, ये मैंने नहीं कहा, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता हूं, ये कृष्ण स्वयं गीता में कह रहे हैं, ऐसे करने से मैं मिलता हूं। लेकिन ऐसे करने वाले कितने हैं? समात्मा सुदुर्लभ। क्योंकि याद रखना,
भगवान सबको सब कुछ दे देता है, स्त्री संतान घर बार, जैसे मैंने कहा सूत द्वार लक्ष्मी पापी के घर हुए, लेकिन वो अपना नाम सबको नहीं देता, ये बड़ी बात है। गोस्वामी तुलसीदास फिर कहते हैं, तुलसी इस संसार में जो सब भक्त बन जाए, नरक कुंड खाली रहे, कीड़ा किसको खाए। अगर सब ही भक्त बन जाएंगे, जबकि हम चाहते हैं ऐसा हो, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कैसे ऐसा संभव नहीं है। हाँ तुलसी क्या कहा था मैंने, इस संसार में सभी भक्त बन जाए, सब भक्त नहीं बन सकते, सहमात्मा सुदुर्लभ। आप लोगों पर कान, एक सावधानी से सुनो, आप लोगों पे कृष्ण की अहितु की कृपा हुई है, जो ये दुर्लभ वस्तु आपको मिली। मैं उस दिन आप लोगों को समझा रहा था कि मीरा राजा के घर में जन्म लिया, बहुत समझने की बात है ये। बचपन में ही सोने के चम्मच से खाने वाली मीरा, हीरे मोती पैसे दौलत धन उसके लिए कोई इशू नहीं था, कोई माना नहीं रखता था, बचपन से ही उसने सब कुछ देखा, क्योंकि वो भी एक राजा के घर जन्म लेकर आई थी। फिर जब ससुराल गई तो वो भी राजा का घर, वहां पर भी पैसे धन दौलत की कमी नहीं थी। इतना धन इतने पैसे सब कुछ होने के बाद एक जगह मीरा को लिखना पड़ा, अब मुझे असली धन मिला। कब मिला, जब मुझे मेरे गुरु से मिलना हुआ। पायो जी मैंने, अब असली धन मिला। कहां से मिला, वस्तु अमोलक धी मेरे सतगुरु। ये हम पे गुरु महाराज की कृपा है, व्यास आसन की कृपा है, व्यास की कृपा है कि जो दुर्लभ वस्तु थी वह हमें सरलता से मिली। हालांकि ये दुर्लभ है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। ये जो गुरु प्रसाद मिला, आप देखेंगे गुरु ग्रंथ जी महाराज में जगह जगह लिखा है गुरु प्रसाद। जहां भी कोई पौड़ी खत्म होती है कहीं आता है गुरु प्रसाद। ये जो गुरु का प्रसाद है, गुरु की कृपा है, किस रूप में मिली, ये कीर्तन के रूप में मिली। किस रूप में मिली, ये भजन के रूप में मिली। क्या चीज है, वस्तु अमोलक, ये अनमोल वस्तु है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम। मीरा को कहना पड़ा कि सारा धन सारी दौलत सारा पैसा सारे हीरे मोती सब ठीक है, ठीक है, लेकिन असली वस्तु तो मेरे पिता ने भी नहीं दी, ना मेरी माता ने दी, ना मेरे पति ने दी, ना मेरे ससुराल ने दी, मुझे वो वस्तु मेरे गुरु ने दी। वस्तु अमोलक थी मेरे सतगुरु, ये मीरा का कहना है, मीरा का कहना है।